हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DreamsUnI। आगे भी वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन को क्लिक कीजिए। आज की जो रेसिपी है वो है चिकन तंदूरी और इसे आप इजीली घर पे बना सकते हो। तो इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं चलिए देख लेते हैं। चिकन तंदूरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ली है, आप विदाउट बोनलेस चिकन भी ले सकते हो। तो ये थोड़ा सा मैं मैरिनेट करके रखूँगी। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा विनीगर डाल दूँगी मैं। अगर आपके पास विनीगर ना हो तो आप यहाँ पे लेमन जूस भी आप डाल सकते हो, नींबू का रस 1 टेबल स्पून। और थोड़ा सा मैं मिक्स करके इसको 10 मिनट्स के लिए कवर करके रखूंगी। तंदूरी चिकन बनाने के लिए मैं अभी सारे इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके मिला लूंगी। पहले मैं लूंगी कर्ड यानी कि दही, उसके बाद मैं लूंगी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद लूंगी मैं क्यूमिन पाउडर, उसके बाद लूंगी मैं टर्मरिक पाउडर, उसके बाद लूंगी मैं गरम मसाला पाउडर। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैंने कितनी ली है ये प्लीज़ आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लीजिए। उसके बाद मैं लूँगी 1 टेबल स्पून ऑयल, उसके बाद लूँगी मैं ब्लैक पेपर। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। डालूंगी थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैंने कितनी ली है आप प्लीज थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लें। अभी मैं जो चिकन 10 मिनट्स के लिए कवर करके रखी थी सभी इसी तरह से मैं सारे चिकन को इसी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर ले, मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सारे मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है चिकन के साथ और थोड़ा सा नमक मैंने स्वाद के अनुसार डाल दी है। अभी मैं इसको फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन ली है और ऑयल गर्म हो चुकी है। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और अभी मैं सारे चिकन को फ्राई कर लूँगी। इसको मैंने पहले हाई फ्लेम में रखा था, अभी मैं लो टू मीडियम कर दूंगी। और इसे मैं कवर करके रखूंगी एक साइड होने तक मैं वेट करूंगी। अभी मैं कवर को उठा दूंगी। आप देख सकते हो एक साइड लाल हो चुकी है, मैं अभी इसे धीरे से पलट दूंगी। बनके तैयार है चिकन तंदूरी। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।